हेलो गाइस एंड वेलकम टू लॉर्ड नोस। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल की इन्फिनिटी क्रूसेड सीरीज का फाइनल एपिसोड, जो है एपिसोड नंबर 6। अब तक इस कहानी में बहुत कुछ हो चुका है और ये काफी सारे टर्न्स ले चुकी है और इसमें एंटर हो चुके हैं कई सारे प्लेयर्स, पर अब समय आ चुका है इसके फिनाले का। तो अब देखते हैं कि यूनिवर्स को इस गॉडेस नाम के खतरे से कैसे छुटकारा मिलता है। गाइज, इस कॉमिक बुक की कहानी को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि लॉर्ड नोस के अगले प्रोजेक्ट्स अब आपके हाथ में हैं। और अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी अगली वीडियोस कौन सी होंगी, और ऐसा करने के लिए आपको हमारी कम्युनिटी टैब से अपडेटेड रहना होगा, क्योंकि वहां पर हम रेगुलरली पोल्स ऑर्गेनाइज कराते हैं और उस पोल के विनिंग टॉपिक पर ही हम अगली वीडियो बनाएंगे। और साथ ही में वहां होती है कई सारी फन एक्टिविटीज, तो चैनल की कम्युनिटी टैब से अपडेटेड रहें और डिसाइड करें कि आप इस चैनल पर आगे क्या देखना चाहते हैं। और साथ ही में आप जुड़े हमारी सोशल मीडियाज पर, लॉर्ड नोज मीडिया नाम से आपको हमारा अकाउंट हर सोशल मीडिया पर मिलेगा, वहां आकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल से अपडेटेड रह सकते हैं। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं इस कॉमिक बुक की कहानी को। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, एक एक करके गैलेक्सी के सारे स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे थे और इस कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर हमारा सन भी एक्सप्लोड हो चुका है और अब एक के बाद एक सारे प्लैनेट उसकी वजह से जलकर खत्म हो रहे हैं। और अब वह एक्सप्लोजन पहुंच जाता है पैराडाइज ओमेगा तक भी और उसे भी खत्म कर देता है। और इस सब का कारण, यानी कि गॉडेस इस सबको देखकर कह रही है, अब यह एक्सप्लोजन पैराडाइज ओमेगा तक पहुंच गया है जिसे मैंने ही कुछ घंटों पहले बनाया था। और सबसे पहले इस डिस्ट्रक्शन को देखने वाले होते हैं थोर और ड्रैक्स, जो बाहर स्पेस में लड़ रहे थे, पर इससे वे भी नहीं बच पाते और वेपराइज हो जाते हैं। और इसके बाद बारी आती है फायर लॉर्ड की, और अब पैराडाइज ओमेगा की सरफेस पर लड़ रहे सारे हीरोज भी और साथ ही में गॉडेस के डिसाइपल्स भी सभी इससे जलकर मर जाते हैं। और अब गॉडेस कहती है इससे अब कोई भी नहीं बच सकता और यह जजमेंट मेरी सेंचुरी तक पहुंचेगी और यहाँ पर बैठा हुआ इविल और परसिस्टेंट थेनोस भी इससे नहीं बच पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि थेनोस के साथ साथ वहाँ मौजूद बाकी सभी भी उस आग में जलकर मर जाते हैं, जिसके बाद वह एक्सप्लोजन गॉडेस को भी अपनी चपेट में ले लेता है। और इसके बाद बारी आती है धरती की, और यह एक्सप्लोजन वहाँ पहुंचकर चारों तरफ तबाही मचा देता है और वहाँ की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि सी तक इवेपोरेट हो जाते हैं। पर यह डिस्ट्रक्शन सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम तक ही लिमिटेड नहीं है और गैलेक्सी के बाकी स्टार्स भी इसी तरह एक्सप्लोड हो रहे हैं, और एक के बाद एक कई सारी रेसेस इसमें जलकर खाक हो जाती है और पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाता है। और उन फ्लेम्स में हमें दिखाई जाती है गॉडेस की आकृति, और वह कहती है मैंने अपने होली मिशन की फर्स्ट स्टेज को पूरा कर दिया है और एक बार फिर यह रियलिटी एक राइटियस जगह बन गई है और इन होली फ्लेम्स में अब डार्कनेस की कोई जगह नहीं बची, पर मेरा काम तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है और इसे मुझे डायमेंशनल कॉरिडोर में आगे फैलाना है और अब सभी को इसका हिस्सा बनना है और सारी लाइफ को खत्म होना है। पर तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वह कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस के सामने बैठा थेनोस उसे कह रहा है, पर गॉडेस हुआ ऐसा ही है और यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन की रिपोर्ट को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा दिया गया था और जो लोग खत्म हो गए थे वे हमें एक बार फिर जिंदा दिखते हैं, और बिलीवर और नॉन बिलीवर्स दोनों ही इससे अचंभे में हैं। पर अब उन सभी को दूसरा चांस मिला है और अब वे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ था और शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब यह सब सुनकर गॉडेस कहती है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या तुमने? तो इस पर थेनोस उसे जवाब देता है नहीं, पर तभी सामने आता है एडम वॉर्डलॉक और हमें पता चलता है यह सब उसी का करा धरा है। और उसे देखते ही गॉडेस चौंक जाती है और थेनोस पूछता है इस झूठे डूम्सडे के रिस्पॉन्सिबल तुम हो? जिस पर एडम एक्सेप्ट करता है हाँ, और वह आगे बताता है क्या हुआ और कहता है मैं उस समय गॉडेस के सबकॉन्शियस में था और मुझे समझ में आ गया था कि तुम गॉडेस के स्पिरिचुअल डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाओगे और इसीलिए यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने से उसे रोक नहीं पाओगे, पर क्योंकि तब मैं गॉडेस के बीइंग के अंदर ही था और कॉस्मिक एग के कॉन्टेक्ट में था, इसीलिए तब मैंने उसे ऑर्डर किया कि वहाँ एक यूनिवर्स वाइड इल्यूजन क्रिएट किया जाए। और यूनिवर्स के असली डिस्ट्रक्शन के कुछ मोमेंट्स पहले ही सबको लगा कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया है, और यहाँ तक कि गॉडेस को भी लगा कि यही रियलिटी है और यह सब उसी ने किया है, और पूरे यूनिवर्स ने डेथ को एक्सपीरियंस किया बिना सफरिंग के। अब यह पूरी कहानी सुनकर गॉडेस कहती है वॉरलॉक मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। तो इस पर थेनोस ऐड करता है तुमने और पास्ट में काफी और लोगों ने भी, और गॉडेस आगे कहती है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अब भी ग्रेट पावर्स है और मैं उनका इस्तेमाल करके अपना गोल अचीव करके रहूंगी। तो इस पर एडम उसे याद दिलाता है तुम भूल रही हो कि अब तुम्हारे बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स सभी को तुम्हारी सच्चाई पता लग चुकी है। और थेनोस भी कहता है हाँ तुम अपना गोल अब अचीव नहीं कर सकती,
इस पर गॉडेस भी एक्सेप्ट करती है कि वह यूनिवर्स को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, पर ये कॉस्मिक एग अब भी मेरे कंट्रोल में है और इसके जरिए मैं बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ दोबारा यह काम पूरा कर पाऊंगी। तो यह सुनते ही वॉरलॉक उसकी तरफ कूदता है और कहता है कि नहीं, थैनोस और मैं ऐसा नहीं होने देंगे, और थैनोस भी कहता है मैं तैयार हूँ। और ऐसा देखते ही गॉडेस भी वॉरलॉक पर अटैक करने लगती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर यह देखकर चौंक जाती है कि वह ऐसा नहीं कर पा रही। और वॉरलॉक उसे बताता है कि कलेक्टेड इन्फिनिटी जेम्स के कंपैरिजन में इन कॉस्मिक कंटेनमेंट यूनिट्स की एक कमजोरी है, और वो ये कि एक सोल को अफेक्ट नहीं कर सकते, और अभी मैं वही हूँ, एक प्योर स्पिरिट। तो यह सुनकर गॉडेस भी अपनी स्पिरिट फॉर्म में आती है और कहती है ठीक है, तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही डिफीट करूंगी, वैसे भी मुझे उस बॉडी की कोई जरूरत नहीं। और अब गॉडेस कॉस्मिक एग के एनर्जी प्लेन पर है और उसकी पूरी पावर को एक्सेस कर सकती है, और वॉरलॉक से कहती है तुम मुझे अब नहीं हरा सकते। तो इस पर वॉरलॉक उसे जवाब देता है ये शायद सही होता अगर मैं अकेला लड़ रहा होता। और तभी एडम के साथ प्रोफेसर एक्स और थैनोस भी उस पर अटैक करने लगते हैं, और जल्दी ही वे तीनों उसे ओवरपावर करने लगते हैं, और हारती हुई गॉडेस गिव अप करती है और वह समझ जाती है कि स्पिरिचुअल प्लेन पर वह इनसे नहीं लड़ पाएगी और तुरंत अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ भागने लगती है। और यह देखते ही थैनोस कहता है इसे रोको, अगर यह बैटल वापस फिजिकल प्लेन पर चली गई तो हम इसे नहीं हरा पाएंगे। पर गॉडेस ऐसा करने में कामयाब हो जाती है और कॉस्मिक एग के अंदर अपनी फिजिकल बॉडी में आ जाती है और सबसे कहती है तुम सभी अब अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी पीछे से एडम आता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और बताता है कि गॉडेस तुमने अपनी बॉडी से इतनी देर तक कनेक्शन हटा रखा था कि उतनी देर में मेरी स्पिरिट कॉस्मिक एग से बॉन्ड हो चुकी है, और तुमने अपनी बॉडी में वापस आकर सबसे बड़ी गलती की है। और अब एडम वॉरलॉक गॉडेस को पकड़ लेता है और थैनोस को अपना काम करने के लिए कहता है, और अपने सोल जेम से वह गॉडेस को अब्सॉर्ब कर लेता है। पर इसके साथ ही पूरे एक स्टार सिस्टम दूर एक स्पेसक्राफ्ट में हमें दिखाया जाता है एडम, जो वापस अपनी बॉडी में आ चुका है, और अब वह होश में आते ही कहता है मुझे जल्दी से इस शिप के टेलीपोर्टेशन सिस्टम पर जाना होगा। और अब वहाँ थैनोस को भी समझ में आया है कि यहाँ क्या हुआ है, और वह कहता है कि एडम ने ही यह प्री प्रोग्रामिंग की होगी ताकि मैं उसे भी सोल वर्ल्ड में ना भेज दूं। वह वास्तव में क्लेवर है, और अब मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचे हैं अपना काम करने के लिए। पर अब जब थैनोस ने कोई वादा किया है तो वह उसे ऑनर करता है, इसमें भले ही वह किसी डेविल से डील कर रहा हो। और अब क्योंकि सारा काम पूरा हो गया है, अब सिर्फ एक चीज बची है, और इस कॉस्मिक एग को सिर्फ एक विश और ग्रांट करनी है। और अब वह एक डिवाइस की मदद से उस कंटेनमेंट यूनिट को कुछ करता है, और तभी वहाँ एडम पहुँचता है, और उसे देखते ही थैनोस चौंक जाता है, और एडम कहता है लगता है तुम्हें यकीन नहीं था मैं इतनी जल्दी आऊंगा। और तभी वह थैनोस के सर से अपना सोल जेम वापस लेता है और कहता है कि मैं इसे यूज करने के लिए वापस तैयार हूँ, भले ही मुझे अब अपने साथी पर ही अटैक क्यों न करना पड़े, पर मैं इस कॉस्मिक एग को गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। इस पर थैनोस कहता है तुम मेरी बात कर रहे हो, पर तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब इस कॉस्मिक एग को कोई यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैंने इस कॉस्मिक एग को ऑर्डर दिया है कि अब वह अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही तोड़ दे और खुद को डिस्ट्रॉय कर ले। और अब 10 मिनट के अंदर ही ये कॉस्मिक एग सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और साथ ही में ये प्लैनेट भी, और इसी दौरान यह प्लैनेट वॉइड की तरफ बढ़ रहा है। और अब थैनोस उन दोनों को ही वहां से कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है देखा, सिर्फ एडम वॉरलॉक ही आगे प्लान नहीं करता। और हमें दिखाया जाता है कि अर्थ के हीरोज भी अब सही सलामत अर्थ पर वापस पहुंच चुके हैं और वे समझ जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, मतलब अच्छे लोग जीत गए हैं, पर यह सब कुछ कैसे हुआ उन्हें नहीं पता। और हमें दिखाया जाता है कि अब पैराडाइज ओमेगा 3 लाइट ईयर दूर जा पहुंचा है और अब वह एक्सप्लोड हो जाता है। और उस एक्सप्लोजन को देखते हुए एडम थैनोस से पूछता है तुमने मेफिस्टो को उसकी मदद के बदले एक कॉस्मिक कंटेनमेंट यूनिट देने का वादा किया था, क्या वह इससे अपसेट नहीं होगा? तो इसके जवाब में थैनोस कहता है समय आने पर मैं उसे संभाल लूंगा। अब एडम उससे कहता है तुम पिछले कुछ समय में बहुत बदल गए हो, इस पूरी इवेंट के दौरान तुमने ऑनर के साथ काम किया। तो इस पर थैनोस उससे कहता है तुम मुझे एक हीरो तो नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि इस बार भी हर बार की ही तरह थैनोस ने वही किया जिसमें उसका फायदा था। अब इसके बाद एटम वहां से टेलीपोर्ट होता है और सीधा पहुंचता है अर्थ पे, जहां पर इन्फिनिटी वॉच के मेंबर्स उसे देखकर खुश हो जाते हैं, पर बाकी हीरोज उसे इस सब का रिस्पॉन्सिबल मानते हैं क्योंकि गॉडेस उसका ही एक हिस्सा है। पर गमोरा और मून ड्रैगन उसे डिफेंड करते हैं, और इससे पहले कि लड़ाई आगे बढ़े एडम पिप से कहकर उन सभी के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सैटर्न का मून, जहां पर फायर लॉर्ड पहुंच चुका है अपने फ्रेंड एरोस के पास, और उसे पता चलता है
कि एरोस को गॉडेस के उन प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उससे जुड़ी पिछली कोई इवेंट। और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज जो इस सब को ऑब्जर्व कर रहा है और वह कहता है, ऐसा लगता है कि अधिकतर लोगों ने यह मान लिया है कि जो कुछ भी हुआ था वह एक हेलुसिनेशन या डेड्रीम था और इसीलिए इस बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा। और अब वे सभी लोग जो गॉडेस के कंट्रोल में थे वे सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ और उन्हें और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था ताकि वे इसे रोक सकते। और इसी तरह दुखी हो रही स्टॉर्म को वुल्वरीन आकर समझाता है और मून ड्रैगन को सांत्वना देता है मैक्सिम, लेकिन पिप उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, गॉडेस के कंट्रोल में तुम बिल्कुल हिटलर हो गई थी। और वहीं पीछे बैठा है एडम वॉरलॉक और वह सोच रहा है गुड और इविल इन दोनों से ही कैसे डील किया जाए। और हमें दिखाया जाता है सोल वर्ल्ड जहाँ पर गॉडेस पहुँच चुकी है और जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि उस वर्ल्ड के रेसिडेंट्स उसे देख नहीं सकते और ना ही उसे छू सकते हैं। और तभी उसे दिखता है मैगस और वह उसे सोल वर्ल्ड में वेलकम करता है और बताता है कि हम दोनों ही यहाँ पर सोल का सिर्फ एक हिस्सा है ना कि पूरी स्पिरिट और इसीलिए उनके लिए हम एक भूत से ज्यादा कुछ नहीं। अब शुरुआत में तो गॉडेस उस पर भरोसा नहीं करती पर जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि मैगस सही बोल रहा है। और मैगस आगे कहता है, हम एक दूसरे के लिए भी बस भूत ही हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और सारे हीरोज अपने काम में दोबारा लग गए हैं। और अब दूसरी तरफ थैनोस के पास पहुंचता है मेफिस्टो और उससे अपनी कॉस्मिक कंटेनमेंट यूनिट मांगता है और थैनोस भी एक लास्ट क्यूब को अपने हाथ में उठाकर कहता है, ये आखिरी है और बाकी सब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। और अब थैनोस भी अपने एग्रीमेंट का ऑनर करते हुए वह क्यूब मेफिस्टो को दे देता है। मेफिस्टो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कहता है, फाइनली अब ये मेरी हुई, अब मैं जो चाहूंगा वह रियलिटी में बदल जाएगा और सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन मेफिस्टो की थैनोस को खत्म करने की यह विश पूरी नहीं होती और वह कहता है, यह क्यूब काम नहीं कर रही, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो इस पर थैनोस कहता है, नहीं मेफिस्टो, तुम पहले ही मेरी रियलिटी के लिए एक काफी बड़ी परेशानी हो और मैंने एग्रीमेंट में अपना हिस्सा पूरा किया और तुम्हें यह क्यूब दी, पर हमारी यह बात कभी नहीं हुई थी कि तुम्हें ऐसी क्यूब दी जाए जो काम कर रही हो। और थैनोस आगे कहता है कि इवन डेविल को भी ध्यान रखना चाहिए जब वह थैनोस ऑफ टाइटन से डील कर रहा हो। अब यह सुनकर मेफिस्टो गुस्से में वहां से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, इसकी कीमत तुम्हें एक दिन चुकानी पड़ेगी। तो इस पर थैनोस कहता है, हो सकता है, पर आज तुमने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा होगा और होपफुली पूरे यूनिवर्स ने, पर लगता नहीं कि दोनों को ही इससे कोई फायदा होगा क्योंकि साल्वेशन कैसी भी हो उसे बाहर नहीं पाया जा सकता क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही है और इसीलिए थैनोस ऑफ टाइटन अपने खुद के अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं करता, खुद पर और अपने अंदर की डार्कनेस पर। और थैनोस के इन्हीं वर्ड्स के साथ यह कॉमिक बुक यही खत्म होती है और यह पूरी इन्फिनिटी क्रूसेड सीरीज भी। वी होप कि आपको यह कॉमिक बुक सीरीज पसंद आई हो और अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अपने व्यूज हमें कमेंट के जरिए बताएं। और क्या आपने अब तक अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लॉर्ड नोस के बारे में बताया है? अगर नहीं तो हमारी वीडियोस उनसे शेयर करें ताकि ये कई सारी अमेजिंग वीडियोस वे भी एंजॉय कर पाएं और आपकी ही तरह लॉर्ड नोस कम्युनिटी का हिस्सा बन पाएं। सो दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।